छत्तीसगढ़ के पाटन जनपद पंचायत के एक साल पूरे होने पर अध्यक्ष रामबाई सिन्हा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी, जनपद सीओ की उपस्थिति में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पाटन क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हुआ है, कई विकास कार्य क्षेत्र में किए गए हैं। जनपद पंचायत पाटन में हमारे जनपद के अध्यक्ष श्रीमती रामबाई सिन्हा जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी जी सहित हमारा पूरा जनपद पंचायत के सभापति और जनपद पंचायत के सदस्य मन के आज एक वर्ष के कार्यकाल के अवसर में आज हम उनकी बैठक के आयोजन करेंगे जनपद पंचायत पाटन में। सीओ साहब और पूरा कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के बीच में एक बैठक एक साल के कार्यकाल के आयोजन हुई। तो मैं यहाँ एक साल के कार्यकाल के लिए उपलब्धि रही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के क्षेत्र पाटन विधानसभा। यहाँ हमारा अगर सड़क के मामला में बात करें तो सड़क के मामला में लगभग 1000 करोड़ के पूरा पाटन विधानसभा में अभी काम हमारा चलत है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी ये नजदीक मर्रा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के काम द्रुत गति से चलत है। उन्हें हमारे एक नजदीक रानी तरह एक सेंटर जगह है, वह भी कॉलेज के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा करे गए हैं। शिक्षा के ही क्षेत्र में हमारा अपन पाटन विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे क्षेत्र में सौगात मिले हैं। और साथ ही साथ सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में क्रेडा के माध्यम से 3,33,00,000 के लागत से क्रेडा के सिंचाई योजना के काम पूरा हो गए हैं। वही दिशा में कौडी इरिगेशन के भी काम चालू हो गए हैं, जगह 4,34,00,000 के